हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस। थैंक यू। जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। ध्यान कॉमर्स ऑनलाइन लेक्चर में तमारू स्वागत छे। आज आपणे फरी एक वार टेक्सेशन वन सब्जेक्ट भणवाना छीए, जेमानू यूनिट नंबर एक नू एक नानकडू चेप्टर कही शको, जे छे स्पेशल डिडक्शन्स एंड एजम्पशन्स। जे पण डिडक्शन मळे छे, जे मारी ग्रोस टोटल इनकम आवे, कोई पण असेसी छे जे करदाता छे, राइट, जो टैक्स पेयर है, उनकी जो टोटल ग्रोस इनकम यानी सभी हेड्स की इनकम में से जो उनको स्पेशल डिडक्शन अवेलेबल होता है वो कौन कौन सा है, उसके बारे में ये चैप्टर में हम पूरा जानकारी लेने वाले हैं। सो गेट रेडी, एकदम छोटा सा चैप्टर जिसमें 7 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और जिसमें से मोस्टली आपको यूनिवर्सिटी में MCQ भी पूछता है। तो चलिए स्टार्ट करें। स्पेशल डिडक्शन एंड एजम्पशन, ये यूनिट नंबर 1 में आता है, आप ये भी याद रखोगे। चलिए स्पेशल डिडक्शन में सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिडक्शन एंड मोस्ट रिपीटेड डिडक्शन की बात कर लेते हैं। नंबर 1, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड ATC सेक्शन ATC, ठीक है। तो ये डिडक्शन सेक्शन ATC के रिलेटेड है और जो भी आप क्वेश्चन पेपर देखोगे, कोई भी साल के क्वेश्चन पेपर में आपको सेक्शन ATC तो मिल ही जाएगा, क्योंकि वो कोई भी डिडक्शन में मोस्ट टाइम पे इसीलिए क्योंकि वो हर एक चैप्टर के साथ सेट होता है। जैसे कि आप सैलरी इनकम पढ़ रहे हो, उसमें भी कहीं ना कहीं एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स प्रोविडेंट फंड ऐसा कुछ आता है। एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्सेस की बात करो तो वहाँ पे भी ये सेक्शन ज़्यादातर एप्लीकेबल होता है। तो जब कोई बंदा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा हो या प्रोविडेंट फंड में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा हो, तो सेक्शन ATC में डिडक्शन का फ़ायदा मिलता है। चलिए इसके बारे में और भी हमें बहुत सारी जानकारी लेनी है। सबसे पहले सेक्शन ATC इज़ अवेलेबल टू इंडिविजुअल एंड HUF, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पर्सन हैं, उस पर्सन में से सिर्फ इंडिविजुअल एंड HUF को ATC का फ़ायदा मिलता है। यानी कि कंपनी है, फिर आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है या फिर फॉर्म है, तो उनको इनका फ़ायदा नहीं मिलता। सिर्फ जो इंडिविजुअल होते हो या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उनको ही इसका फ़ायदा मिलता है, ठीक है। तो ये डिडक्शन सिर्फ इंडिविजुअल HUF के लिए अवेलेबल है। सेकेंड, सर्च अमाउंट इज पेड और डिपोजिटेड बाय द नेट टैक्स पेयर आउट ऑफ हिज इनकम चार्जेबल टू द टैक्स। देखो, सम अमाउंट इज पेड और डिपोजिटेड बाय टैक्स पेयर, कुछ अमाउंट उसको पेड किया होना चाहिए या फिर उसने कहीं डिपोजिट किया होना चाहिए। जो इनकम वो टैक्स के लिए कंसिडर करें ना, उस इनकम में से उसने कुछ इनकम पेड किया होना चाहिए या डिपॉजिट किया होना चाहिए। कहाँ कहाँ किया होना चाहिए ये हम अभी देखने वाले हैं। थर्ड रूल, रूल नंबर 3, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन ATC, ATCCC, ATCCD कैन नॉट बी एक्सेस ₹150,000। मोस्टली आपको रिपीटेड MCQ में ये चीज़ पूछता है कि अंडर सेक्शन ATC मैक्सिमम आपको कितना डिडक्शन अवेलेबल मिलता है, 150,000। उससे ज़्यादा अगर आपने इन्वेस्ट किया हो तो आपको माइनस नहीं मिलता। तो ये अंडर सेक्शन ATC के बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग था। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि द फॉलोइंग आइटम्स आर क्लासिफाइड फॉर द डिडक्शन अंडर सेक्शन दिस सेक्शन। चलो, ATC के अंदर कौन कौन सी चीज़ों को कंसिडर किया जाता है। हेडिंग में हमने LIC प्रीमियम देखा, कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड देखा, बट उसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अंडर सेक्शन ATC में कंसिडर की जाती है, जिसमें से सबसे पहली नंबर 1, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड अप टू ₹10% ऑफ द पॉलिसी वैल्यू ऑन हीज ओन लाइफ और हीज और ऑन लाइफ द ऑफ हीज वाइफ और एनी चाइल्ड और एनी मेम्बर ऑफ HUF इफ़ द पॉलिसी बिफोर 1/4/2012 देन 20%। देखो, जो भी आप अपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, अपनी पॉलिसी की वैल्यू का 10% आपको वहाँ पर मिलेगा। यानी कि पूरे पूरी वैल्यू नहीं, प्रीमियम जो भर रहे हो वो पॉलिसी की वैल्यू का कितने परसेंट, अप टू 10%। अगर पॉलिसी 1/4/2012 से पहले लिया है ना, तो पॉलिसी की अमाउंट का 20% प्रीमियम आपको यहाँ पे माइनस मिलेगा। फिर आपका खुद का हो, आपकी वाइफ का हो, चिल्ड्रन का हो या फिर मेंबर ऑफ HUF,
जॉइंट फैमिली में किसी मदर फादर का भी हो तो भी आपको माइनस मिलेगा, यानी इंश्योरेंस प्रीमियम अप टू ₹10, ठीक है, 10%, 1/4/2012 से पहले लिया हो तो 20%। नेक्स्ट रूल नंबर 2, कॉन्ट्रीब्यूशन टू वर्ड्स द पब्लिक प्रोविडेंट, यहाँ पे लिखा गया है पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं स्टैचुटरी प्रोविडेंट फंड एंड रेकग्नाइज प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन टू वर्ड्स एज अन अप्रूव्ड सुपर एनम एंड फंड, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि अगर आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड में या फिर कोई स्टैचुटरी प्रोविडेंट फंड में या फिर कोई रेकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में पैसे इन्वेस्ट करते हो तो वो भी सेक्शन अंडर सेक्शन 80C में कंसिडर किया जाएगा। तो ये सेक्शन बहुत सारी चीज़ों की वजह से जाना जाता है, आगे इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, चलिए उसको कंसिडर करिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3, जिसमें उसमें बताया गया है contributions towards the unit linked insurance plan 1971 ULIP, जिसको बोला जाता है UTI, जिसे हम फुल फॉर्म में बोलते हैं यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। अगर आप यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया में भी इंश्योरेंस अपने वहाँ पे किया हुआ है, अगर उसमें पैसे कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो उसका भी फायदा सेक्शन अंडर सेक्शन 80C में मिलेगा। चलिए नेक्स्ट नंबर 4, पेमेंट फॉर नोटिफाइड एन्यूरिटी प्लान फ्रॉम ऑफ LIC, न्यू लाइक न्यू जीवनधारा, न्यू जीवन अक्षय, ये सारे नाम है LIC के, और एन्यूरिटी प्लान ऑफ ICICI, प्रोटेंशियल LIC, टाटा AIG, ईजी रिटायरमेंट एन्यूरिटी प्लान। देखो पेमेंट नोटिफाइड एन्यूरिटी प्लान, अगर आपने ये सारे एन्यूरिटी प्लान में भी पैसे इन्वेस्ट किए ना, जैसे कि न्यू जीवनधारा, न्यू जीवन अक्षय, एन्यूरिटी प्लान ऑफ ICICI, प्रोटेंशियल, टाटा AIG, ये सारे नाम आपको याद रखने हैं कि अगर यहाँ पे इन्वेस्ट किया है ना तो अंडर सेक्शन 80C का फायदा मिलेगा। नेक्स्ट नंबर 5 देखते हैं, ये सारे नाम सितने में इसमें से जितने याद रहे उतने याद रखोगे तो भी चलेगा। इन्वेस्टमेंट इन रूरल डेवलपमेंट बॉन्ड्स, दैट इज नाबार्ड, नेशनल जो एसोसिएशन होता है ना नाबार्ड, वो एक तरह का इंस्टीट्यूट है रूरल डेवलपमेंट के लिए। तो अगर आप वहाँ पे भी इन्वेस्ट करते हो तो भी आपको सेक्शन 80C का फायदा मिलता है। नेक्स्ट नंबर 6, अमाउंट डिपोजिटेड अंडर द सीनियर सिटीजन्स सेविंग स्कीम। देखो अगर कोई सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, जैसे कि पोस्ट ऑफिस में कोई ऐसे स्कीम है सीनियर सिटीजन के लिए, अगर उसमें पैसे डिपॉजिट करते हो तो भी आपको सेक्शन 80C का फायदा मिलेगा। नंबर 7, अमाउंट डिपॉजिटेड इन 5 years टाइम डिपॉजिटेड स्कीम इन पोस्ट ऑफिस। देखो पोस्ट ऑफिस में जो 5 ईयर के अमाउंट डिपॉजिटेड की स्कीम होती है, अगर आप उसमें भी डिपॉजिट करते हो तो भी आपको इसका फायदा मिलता है। नेक्स्ट नंबर 8, एनी सम पेड एज अन ट्यूशन फीस ऑफ एनी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूटेड इन इंडिया फॉर द फुल टाइम एजुकेशन। देखो मैक्सिमम फॉर 2 चाइल्ड, अगर आप अपने चिल्ड्रन के लिए कोई ट्यूशन फीस ऑफ यूनिवर्सिटी फ़ी है, कॉलेज की फ़ी है या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की फ़ी है, फुल टाइम कोर्स होना चाहिए और एक्स्ट्रा लर्निंग, तो मैक्सिमम 2 चाइल्ड का आपको वहाँ पे माइनस मिलेगा। और ये पूरा रूल आपको सैलरी में समझाया गया है, ठीक है। एक और है उसमें नंबर 9, द अमाउंट डिपॉजिटेड इन 5 ईयर्स फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 5 ईयर की फिक्स डिपॉजिट FD करवाते हो, अगर SBI में, तो भी आपको कंसिडर किया जाएगा। यानी पोस्ट ऑफिस में 5 साल के डिपॉजिट FD करवाओ या फिर स्टेट बैंक में 5 साल की FD करवाओ, चिल्ड्रन की फ़ीस, रूरल डेवलपमेंट बोर्ड में इन्वेस्ट करो, LIC प्रीमियम भरो, UTI में इन्वेस्ट करो, तो ये सारी चीज़ों में कौन सा सेक्शन लगेगा, सेक्शन 80C। तो 80C के बारे में आपको इतना सब कुछ पता चल गया, ठीक है। चलिए अब एक और सेक्शन की बात कर लेते हैं, नंबर 2, ये भी मोस्ट IMP कह सकते हो, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम लिखते हो, वो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम था 80C, सिर्फ 80C एक चीज़ की वजह से नहीं जाना जाता था, उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, पर सेक्शन 80D, ये जो अब सेकेंड वाला सेक्शन हम समझने जा रहे हैं, वो स्पेशली मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम से रिगार्डिंग है, ठीक है। चलिए उसमें क्या क्या चीज़ आएगी, सबसे पहले नंबर 1, द टैक्स पेयर इज अन इंडिविजुअल NHUF, टैक्स पेयर क्या होना चाहिए, आइदर इंडिविजुअल, आइदर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का होना चाहिए।
Number B, premium should be paid by check by any mode of payment other than cash, an approval scheme of general scheme of insurance or any other approved insurance, ऐसा लिखा हुआ है insurance company. देखो जब भी आप medical insurance premium की बात करोगे under section 80D में, तो वो जो insurance premium है वो आपने कैश में नहीं भरा होना चाहिए, वो चेक या फिर किसी और चीज़ से भरा होना चाहिए. चेक की जगह पे आप बोल सकते हो किसी को डिमांड ड्राफ्ट दे दिया वगैरह, मतलब बैंक थ्रू ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, तो वो कैश नहीं दिया होना चाहिए. आपने वो प्रीमियम ऑनलाइन या इधर चेक या फिर किसी और मोड से वो पेमेंट किया होना चाहिए. और पेमेंट भी किस में, जो जनरल इंश्योरेंस स्कीम है उसमें और अप्रूवल इंश्योरेंस कंपनी में. आपने कहीं भी और भी इन्वेस्ट कर दिया तो नहीं चलेगा. ऐसा होता है ना, किसी को मेडिकल प्रीमियम अगर वो लोग भरते हैं तो मेडिकल इंश्योरेंस उनको मिलता है, और वो भी कैसे होता है कि पर्टिकुलर हॉस्पिटलाइज के बेस पे होता है. अगर आप गवर्नमेंट में वहाँ पे खर्चा करते हो और वहाँ से प्रीमियम लेते हो तो ऐसा ज़रूरी नहीं है. हाँ, वो पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी के पास से आपको लेना होता है. तो दैट इज़ ऑलवेज फिक्स्ड कि आपको रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और कंपनी में से ही इंश्योरेंस लेना है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर सी, द अमाउंट ऑफ डिडक्शन, यानी कि अंडर सेक्शन 80D में आपको कितना माइनस मिलेगा. तो उसमें सबसे पहला दैट इज इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर ₹25,000 विच एवर इज लोअर ₹50,000 इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन एंड एटलीस्ट 60 ईयर्स ऑफ एज एट द टाइम ऑफ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ऑन द पॉलिसी फॉर सेल्फ और फॉर वाइफ और फॉर डिपेंडेंट चिल्ड्रंस. देखो, इंश्योरेंस प्रीमियम जो आपने पेड किया है और 25,000 जो कम है वो, सपोज आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया है 50,000 और आपका जो वैल्यू आ रहा है डिडक्शन का वो 25,000, तो विच एवर इज़ लोअर, मतलब प्रीमियम जो आपने भरा है और 25,000 जो कम हो वो कंसिडर करना है. और 50,000 इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन, अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो वो लिमिट बढ़ जाती है, सीधी डबल हो जाती है, 50,000 हो जाती है. मतलब अंडर सेक्शन 80D में आप नॉर्मल कैटेगरी में हो तो 25,000 आपको मेडिकल इंश्योरेंस मैक्सिमम माइनस मिल सकता है. आप मैक्सिमम भी बोल सकते हो, विच एवर इज लोअर याद ना रखना हो तो. और अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो मैक्सिमम 50,000 आपको माइनस मिल सकता है. ठीक है, और किसके लिए, खुद के लिए, वाइफ के लिए या फिर डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए. नेक्स्ट रूल नंबर टू, ये भी इम्पॉर्टेंट है, प्रीमियम पेड ऑन द हेल्थ ऑफ द पेरेंट्स और पेरेंट्स, आपके खुद के पेरेंट्स के लिए या फिर डिपेंडेंट हो जो आपके ऊपर. ठीक है, तो पेरेंट्स इंडिविजुअल नहीं होने चाहिए, मतलब आप पे डिपेंडेंट होने चाहिए. SSC इज ऑल्सो डिडक्टेबल अप टू मैक्सिमम 25,000 और 50,000 फॉर सीनियर सिटीजन. देखो, मतलब आपका प्रीमियम 25,000 है और पेरेंट्स का प्रीमियम भी कितना है, 50,000. ठीक है, तो इस तरीके से अंडर सेक्शन 80D आपके लिए यहाँ पे वर्क कर रहा है. चलिए अब स्पेसिफिक डिडक्शन में एंड एजम्पशन में एक और डिडक्शन समझने की बात आ गई है, डिडक्शन फॉर ब्लाइंडिंग और फिजिकल हैंडीकैप्ड, यानी कि कोई भी डिसेबिलिटी हो, डिसेबिलिटी पर्सन हो उसके लिए सेक्शन 80U, मतलब कोई भी ब्लाइंड, फिजिकल हैंडीकैप्ड और कोई भी डिसेबल पर्सन हो उसके लिए सेक्शन 80U है. अगर आप टैक्स पेयर हो और आपको कोई ऐसी फिजिकल डिसेबिलिटी है तो उनके लिए स्पेशल वहाँ पे प्रोविजंस बनाए गए हैं. तो सबसे पहले उसकी कंडीशंस क्या है ये देख लेते हैं. कंडीशंस आर एज फॉलोज, जिसमें से पहली कंडीशन, द टैक्स पेयर, ये तो कॉमन है, द टैक्स पेयर इज एन इंडिविजुअल. टैक्स पेयर क्या होना चाहिए, इंडिविजुअल होना चाहिए, तो उनको ही इसका फायदा मिलता है. कंपनी वगैरह वो तो ब्लाइंड और फिजिकल हैंडीकैप हो नहीं सकती, पर दूसरे टाइप के पर्सन के लिए ये सेक्शन या ये डिडक्शन अवेलेबल नहीं है. तो टैक्स पेयर कौन सा होना चाहिए, इंडिविजुअल, उनके लिए ये सेक्शन है. नंबर बी, ही इज एन रेसिडेंट इन इंडिया इंक्लूडिंग और इंक्लूडिंग ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, चाहे वो रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो या फिर रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, बट नॉट एप्लीकेबल फॉर NRI के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है. यानी नॉन रेजिडेंट के लिए ये सेक्शन बिल्कुल अवेलेबल नहीं है. वो बंदा इंडिया का होना चाहिए, इन शॉर्ट. नंबर थ्री, द टैक्स पेयर इज सफिशियंट 40% और मोर देन 40% ऑफ एनी डिसेबिलिटी गिवन बिलो. देखो, कोई भी पर्सन की सफ़र कितना होना चाहिए, 40% और मोर देन 40%. यानी ऐसा नहीं है कि किसी को 10 या 20% डिसेबिलिटी है
और उसको इस सेक्शन का फ़ायदा मिलेगा। डिसेबिलिटी कितने परसेंटेज होनी चाहिए, वो सफ़र कितने परसेंट से होना चाहिए, 40% ऑफ हिज डिसेबिलिटी, ठीक है। तो जो वर्किंग कंडीशन है वो 40% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, तो ही उसको इस सेक्शन का फ़ायदा मिलेगा। चलिए वो क्या क्या डिसेबिलिटी है उसकी बात करता है। तो सबसे पहले ब्लाइंडनेस, सेकेंड द लो विजन, थर्ड द लेप्रोसी कोड या जिसको हम कोड बोलते हैं, फोर्थ हियरिंग इम्पेयरमेंट एटले कि कायमी बैराश, लोकोमोटिव डिसेबिलिटी, अंग संचालित मर्यादा जेने आपणे मोतियो कहीए छीए, मेंटल रिटर्डिनेशन जेने आपणे मानसिक रोगी कहीए छीए, एंड सेवन द मेंटल इलनेस। तो आ बधी जे डिसेबिलिटी छे, दीज आर दी ऑल डिसेबिलिटीज़ के जेनी आपणे आ सेक्शन सेक्शन अंडर सेक्शन 80U वात करीए छीए, राइट। सो दीज आर एबिलिटी मस्ट बी सफर 40%, कितलू होवी जोईए 40%, तो एटलीस्ट एने आ सेक्शनों फायदो मळे छे। नेक्स्ट स्लाइड में आपणे ए जोईशुं के हाउ द अमाउंट ऑफ डिडक्शन, के अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना माइनस मिल सकता है। चलो तो एक और जो पॉइंट है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन 80U के लिए द टैक्स पेयर सिल हैव टू फर्निश अ कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट issued by the medical authority along with the return of his income to the income tax officer। देखो कोई भी person अगर disable है तो उसको disable person कब माना जाएगा, जब उसके पास एक certificate हो जो कि medical authority ने issue किया है और income tax authority में भी return में लिख के दिया हो ऐसा letter चाहिए, तब उसको ये डिडक्शन का फ़ायदा मिल सकता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अमाउंट ऑफ डिडक्शन की, कि भाई ये सेक्शन थ्रू उसको कितना डिडक्शन मिलेगा। तो उसमें पॉइंट है, इफ़ द अफोर्डेड कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, ऊपर की सारी कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होती है, देन द फिक्स डिडक्शन ऑफ 75,000 इज अवेलेबल, अ हायर डिडक्शन ऑफ रुपीज़ 1,25,000 इज अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्सन विद सेवरल डिसेबिलिटी। अगर एक से ज़्यादा उनकी डिसेबिलिटी है तो फिर उनके लिए 1,25,000 अवेलेबल है, यानी कि डिसेबिलिटी 80% और अबव, अगर उसकी 80% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है तो फिर 125,000, अदरवाइज 75,000 उसको डिडक्शन मिल सकता है। तो उसकी जो टोटल इनकम है उसमें ये एक्स्ट्रा उनको बेनिफिट मिलता है डिडक्शन का, कि वो डिसेबल हो पर्सन तो 75, अगर ज़्यादा डिसेबिलिटी हो तो फिर 1,25,000। जिसको सपोज के एक से ज़्यादा डिसेबिलिटी हो, यानी कोई हैंडीकैप भी है और ब्लाइंड भी है, तो एक से ज़्यादा मल्टीपल डिसेबिलिटी हो तो फिर 1,25,000, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट डिडक्शन की तरफ मूव ऑन करता है। नंबर 4, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट टू इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन लोन फॉर एजुकेशन ऑफ एसएससी और हीज स्पून्स का मतलब होता है उसके फैमिली में से कोई, जो उसके लोई का संबंध हम जोड़ते हैं ब्लड रिलेशनशिप, तो उसकी बात करते हैं, और चिल्ड्रंस अंडर सेक्शन 80E की बात करते हैं, और द स्टेट प्रोविजन अंडर सेक्शन 80E। कोई भी ऐसे डिडक्शन जो आप इंटरेस्ट पेड कर रहे हो, लोन किसके लिए लेना होना चाहिए, एजुकेशन लोन, यानी कि ये पूरा सेक्शन 80E एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट पेड की बात है, या फिर एजुकेशन लोन आपने लिया हो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात होगी। चलिए सबसे पहले उसकी कुछ कंडीशंस के ऊपर हम नज़र डालेंगे। तो उसमें सबसे पहला कंडीशन, द एसएससी इज अन इंडिविजुअल, ये तो एकदम बेसिक कंडीशन है जो आपको हर एक अंडर सेक्शन में आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट कंडीशन नंबर 2, द एसएससी मस्ट हैव टू टेकन लोन फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एसएससी ने लोन लिया होना चाहिए, और अन अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, जो भी कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है या फिर कोई अप्रूवल चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है उसके पास से लोन लिया होना चाहिए। अगर आपने एजुकेशन लोन लिया ही नहीं है और आप ये डिडक्शन का फ़ायदा ले रहे हो तो दैट इज़ रॉन्गफुल एक्ट, वो इनलीगल हो जाएगा। तो आपके पास सबसे बेसिक कंडीशन में सेकेंड कंडीशन यही बताई गई है कि आपने लोन टेकन किया होना चाहिए फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट नंबर 3, द लोन मस्ट हैव बीन टेकन फॉर एनी पर्पजेज ऑफ द हायर एजुकेशन, फॉर एग्जाम्पल स्टडीज इंक्लूडिंग
टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, मेडिकल मैनेजमेंट और एनी पोस्ट ग्रेजुएशन और कोर्स इन अप्लाइड। देखो, जो आपने लोन लिया है वो हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई है, यानी कि लोन कोई ग्राउंड बेसिस ऐसा नहीं कि स्कूल के बच्चे पढ़ रहे हो और उसके लिए लोन लिया हो। और स्टडी किसकी बात कर रहे हैं, स्टडी इन इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्ट, मेडिकल मैनेजमेंट है, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो सभी लोन उसके लिए यहाँ पे बात किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 4, द लोन इज टेकन बाय असेसी फॉर द पर्पस ऑफ हीज ओन हायर एजुकेशन और एनी रिलेटिव्स लाइक फॉर द स्पून और एनी अदर चाइल्ड होम द असेसी इज द लीगल गार्डियन। देखो, ऐसा है कि असेसी ने खुद के लिए लोन लिया हो या फिर अपने स्पून या फिर अपने चाइल्ड के लिए, कोई अपने जो ब्लड रिलेशन वाला है उसके लिए, अपने चाइल्ड के लिए या फिर जिसका वो गार्डियन है। कई बार ऐसा होता है कि ब्लड रिलेशन ना हो पर किसी को अडॉप्ट किया हो, तो अगर वो किसी का गार्डियन है और उसके लिए लोन ले रहा है तो भी कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो दीज आर दी कंडीशंस फॉर अंडर सेक्शन 80C। आगे उसके बारे में और भी सब कुछ जानना है तो नेक्स्ट स्लाइड हमें कंडीशन नंबर 5 अभी एक और दिखा रहा है, जो कि होगा अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज पेड बाय असेसी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कब उसने पे किया होना चाहिए, प्रीवियस ईयर में। जाहिर सी बात है, हम अगर असेसमेंट ईयर में सब डिडक्शन इनकम वगैरह ले रहे हैं, वो प्रीवियस ईयर का ले रहे हैं, तो ये इंटरेस्ट भी कब पे किया होना चाहिए, प्रीवियस ईयर में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं उसमें डिडक्शन आपको कितना अवेलेबल होगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपका ध्यान होना चाहिए पैराग्राफ में, इफ़ द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज मेड आउट ऑफ द टैक्सेबल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर, एंटायर अमाउंट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड, दिस डिडक्शन विल बी अलाउड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 8 years ऑफ अस्टिल द इंटरेस्ट इज पेड विच एवर इज अर्लियर। देखो, ये पैराग्राफ है ना, 100% बात कर रहा हूँ, मोस्ट IMP है फॉर MCQ पर्पज। इसकी हर एक लाइन में से MCQ निकल रहा है। डिडक्शन कितना अवेलेबल है, तो सबसे पहले तो जो आपकी प्रीवियस ईयर की टैक्सेबल इनकम है उसमें से आपने जो भी इंटरेस्ट पेड किया है, हाँ, कोई कितना भी इंटरेस्ट, वो सब कुछ अलाउड है। मतलब ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि इंटरेस्ट पर्टिकुलर इतना होना चाहिए तो ही वो डिडक्शन के लिए अवेलेबल होगा। जितना भी इंटरेस्ट दिया गया है, जितना भी इंटरेस्ट पेड किया गया है एजुकेशन लोन का, वो सारा डिडक्टेबल है, यानी वो सारा माइनस आपको मिलता है। पर मैक्सिमम डिडक्शन कितने पीरियड के लिए होता है, 8 years। ठीक है, जब आपने इंटरेस्ट पेड किया हो उसके 8 years तक वो आपको माइनस मिल सकता है। तो ये भी मोस्ट IMP MCQ के लिए। और नेक्स्ट पैराग्राफ पे हम जाते हैं, डिडक्शन इज अलाउड इन इनकम इन कंप्यूटिंग द टोटल इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनिशियल असेसमेंट ईयर एंड द नेट सेवरल असेसमेंट ईयर और अंटिल द इंटरेस्ट इज पेड फुल विच एवर इज अर्लियर। देखो, कौन कौन सा पीरियड कंसिडर किया जाएगा, जब आपकी टोटल इनकम कंसिडर की गई, या फिर कोई असेसमेंट ईयर में ध्यान में आया, या फिर अंटिल जब आप इंटरेस्ट पेड करते हो, जो भी अर्लियर है वो टाइम पीरियड के हिसाब से ध्यान में लिया जाएगा। मतलब आपने अभी अगर टोटल इनकम काउंट करके असेसमेंट करवाया तब ध्यान में लिया जा सकता है, कोई और ईयर में भी ध्यान में लिया जा सकता है, या फिर अगर आपने पर्टिकुलर कोई अलग साल का इंटरेस्ट अभी पे किया है तो अभी ध्यान में लिया जाएगा। मतलब जब पे करो तब वो ध्यान में लिया जाएगा। ठीक है, चलिए ये वाला सेक्शन तो पूरी तरीके से हमें समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वाला सेक्शन, सेक्शन नंबर 5, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कह सकते हो, कभी कभी ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछे, फिर भी कंसिडर करते हैं। सेक्शन 80QQB और RRB करके भी एक सेक्शन है, सेम इसके जैसा है। तो सेक्शन QQB किसके लिए है, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन रॉयल्टी इनकम ऑफ ऑथर्स। जो ऑथर्स होते हैं, जो बुक्स लिखते हैं, उनको जो रॉयल्टी इनकम मिलती है ना, मतलब उन्होंने एक बार बुक लिखा जो पब्लिश हुई और मार्केट में उसकी नंबर ऑफ कॉपीज बिकती है, ठीक है, तो जब कोई ऑथर को बुक लिखने के लिए वजह से रॉयल्टी इनकम होती है, ये आपने कहीं ना कहीं सुना है रॉयल्टी इनकम, जो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहती है। ठीक है, तो इस इनकम में कितना डिडक्शन, कंडीशंस क्या है, वो सब कुछ अभी हमें देखना है। सबसे पहले कुछ कॉमन्स कंडीशन है, उसमें से नंबर 1,
द ऑथर इज इंडिविजुअल हु इज रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो इंडिविजुअल होना चाहिए और इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए, मतलब NRI के लिए अवेलेबल नहीं है। नॉन रेसिडेंट अगर पर्सन हो तो उसको इस सेक्शन का फायदा नहीं मिल सकता। नंबर बी, द बुक्स इज रिलेटेड टू द लिटरेचर और आर्ट और साइंस। देखो जो बुक उसने लिखी है ना, अगर वो ऑथर है, राइटर है, तो बुक किसके रिलेटेड होनी चाहिए? लिटरेचर, आर्ट एंड साइंस। मतलब कोई और फालतू कोई टॉपिक हो या जो गवर्नमेंट कंसिडर नहीं करती, ऐसे कोई आर्टिकल्स के ऊपर बात लिखा हो तो उसकी बात नहीं कर रहे। बुक्स रिलेटेड टू द लिटरेचर, आर्ट एंड साइंस, इसके रिलेटेड होनी चाहिए। नेक्स्ट नंबर सी, द ऑथर मस्ट हैव टू हैव डिराइव्ड सच इनकम इन द एक्सेस ऑफ हिज प्रोफेशन। देखो उसके पास ये रॉयल्टी इनकम आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि उसने बुक लिखा पर उसको कोई इनकम हुई नहीं, रॉयल्टी इनकम एक्चुअली में रिसीव्ड होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट सिचुएशन की बात करें तो नंबर डी, द इनकम मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ रॉयल्टी और कॉपी राइटिंग फी। देखो ये इनकम किसके रिगार्डिंग उसको मिली होनी चाहिए? रॉयल्टी, यानी उसने बुक लिखा है तो उसके रिगार्डिंग होनी चाहिए, या फिर उस बुक को कॉपीराइट करने के लिए जो फीस उसको मिली है उसके रिगार्डिंग होनी चाहिए, मतलब इनकम के बारे में कंडीशन थी। चलिए इस सेक्शन में और भी मुझे कंडीशन समझानी है, तो अब देखते हैं सेक्शन QQB में अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना माइनस मिलता है। तो उसमें सबसे पहले ए, फर्स्ट नंबर 100% ऑफ सर्च रॉयल्टी इनकम ₹3 lakh विच एवर इज लेस इज अलाउड फ्रॉम टोटल ग्रोस इनकम फॉर्म ऑफ ऑफ द असेसी। देखो जो रॉयल्टी इनकम उसको मिली है और 3 lakh, जो कम है वही माइनस मिलेगा। सपोज इसको रॉयल्टी इनकम 4.5 lakh मिला है, पर मैक्सिमम तो 3 lakh ही माइनस मिल सकता है, तो ये रूल है। अगर उसकी रॉयल्टी इनकम उसको 2 lakh मिली है तो 2 lakh और 3 lakh में से कम कौन सा हुआ? 2 lakh, तो उसको 2 lakh माइनस मिलेगा, ठीक है। चलिए सेकेंड वाला रूल क्या हमें बता रहा है, इफ़ द रॉयल्टी और कॉपी राइटिंग फीस इज नॉट अ लमसम अमाउंट देन द सर्च रॉयल्टी इन एक्सेस ऑफ ₹50% ऑफ हिज सेल वैल्यू बिफोर डिडक्टिंग अन एक्सपेंसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर इन इज नॉट अलाउडेबल एज अन डिडक्शन। देखो अगर कॉपी राइटिंग या रॉयल्टी इनकम लमसम अमाउंट में नहीं मिलता, मतलब उसको फिक्स अमाउंट में वो नहीं दिया जाता, ऐसी सिचुएशन में क्या अराइजेस होता है? तो ऐसी सिचुएशन में उसको अमाउंट जो रॉयल्टी की मिलेगी बाद में उस बुक की सेल वैल्यू का उसका 50% ही कंसिडर किया जाएगा। तो ये 15% का रूल है, ठीक है। और बिफोर डिडक्शन यानी एक्सपेंसिस, वो बुक के सेल करने के कोई भी खर्चे, वो खर्चों के अलावा जो सेल वैल्यू है उसका 15% कंसिडर किया जाएगा, तो ये एक रूल, ठीक है। चलिए तो अब हम जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो कि हमारा है इम्पॉर्टेंट MCQ के लिए। अब जैसे ये चैप्टर ख़त्म हुआ, जैसा भी मैंने आगे आपको समझाया था, जितने भी डिडक्शन हमने समझे हुए हैं, सारे डिडक्शन में से यूनिवर्सिटी में इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट MCQ पूछे सारे मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। बट सिर्फ इतने MCQ नहीं है, जो ये मैं करवाऊँगा उतना आपके लिए इनफ कंटेंट है। चलिए स्पेशल डिडक्शन एंड एजम्पशन का पहला यूनिवर्सिटी MCQ, डिडक्शन अप टू डैश इज अलाउडेबल एज एन मेडिकल प्रीमियम अंडर सेक्शन 80D फॉर अ नॉर्मल सिटीजन। 80D में कितना डिडक्शन अवेलेबल है नॉर्मल सिटीजन के लिए? ₹25,000, बी 30,000, सी 35,000, डी नन ऑफ दिस। तो आंसर आएगा ए 25,000। अगर सीनियर सिटीजन होता तो 50,000 आते, ठीक है, पर उन्होंने नॉर्मल सिटीजन बोला है तो 25,000 आएंगे। नंबर बी, सेकंड नंबर का MCQ, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इज अलाउड फ्रॉम द ग्रोस टोटल इनकम कंप्यूटेशन ऑफ डैश ए एन अन इंडिविजुअल, बी अन इंडिविजुअल और HUF, सी अन इंडिविजुअल HUF और कंपनी, एंड डी ऑल टाइप्स ऑफ SSC। देखो यहाँ पे ATC किस टाइप के SSC के लिए अवेलेबल है? तो आंसर आएगा बी अन इंडिविजुअल और HUF, क्योंकि उन दोनों के लिए अवेलेबल है ATC का डिडक्शन। चलिए MCQ नंबर 3,
The maximum deductible amount for a senior citizen under Section 80D rupees 25,000, rupees 30,000, rupees 50,000 and none of this. भाई अमाउंट ऑफ मैक्सिमम डिडक्शन फॉर सीनियर सिटीजन कितना है, तो उसमें आंसर आएगा 50,000, या आंसर 30,000 नहीं आएगा, आंसर आएगा सी रुपीज 50,000. ठीक है, एमसीक्यू नंबर 4. व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 80C इज रिगार्डिंग LIC प्रीमियम एक्सेट्रा. ए रुपीज 1,50,000, बी 1,20,000 और सी 2,50,000. आंसर आएगा ए 1,50,000, क्योंकि LIC प्रीमियम अंडर सेक्शन 80C मैक्सिमम 80C में आपको 1,50,000 तक डिडक्ट मिल सकता है. चलिए इंपॉर्टेंट MCQ में अब आ रहा है MCQ नंबर 5. द इंटरेस्ट ऑफ जॉइंट सेविंग अकाउंट इन द पोस्ट ऑफिस इज टैक्स फ्री. देखो जॉइंट बैंक अकाउंट पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट टैक्स फ्री होता है. ए अप टू रुपीज 3,500, बी अप टू 7,000, अप टू 10,000 एंड अन ऑफ दिस. आंसर आएगा अप टू 7,000. ये आगे कहीं नहीं आया था, पर आप ये याद रखोगे कि जॉइंट सेविंग अकाउंट में पोस्ट ऑफिस में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो उसका कितना इंटरेस्ट मैक्सिमम माइनस मिलता है, अप टू 7,000. नेक्स्ट नंबर 6. सेक्शन 80E इज फॉर ए इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ हायर एजुकेशन, बी मेडिकल ट्रीटमेंट, सी डोनेशन और डी रॉयल्टी. तो 80E किसके लिए है, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हायर एजुकेशन. आंसर ए आएगा. ठीक है, और 80E मोस्ट IMP है फॉर MCQ नंबर 7. डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E फॉर द पेमेंट बाय द वे ऑफ लोन ऑफ हायर एजुकेशन इज अलाउड फॉर डैश ए 5 years, बी 8 years, सी 10 years और डी नन ऑफ दिस. आंसर आएगा ए बी 8 years, क्योंकि 80C में जो आपको लोन का इंटरेस्ट माइनस मिलता है ना, वो 8 साल तक माइनस मिल सकता है. नेक्स्ट एंड लास्ट MCQ नंबर 8. अंडर सेक्शन 80E द एजुकेशन इज अलाउड, 80E द डिडक्शन इज अलाउड फॉर द अमाउंट ए 20,000, बी एक्चुअल अमाउंट, सी 25,000 और डी 40,000. आंसर आएगा बी एक्चुअल अमाउंट. इंटरेस्ट ऑन हायर एजुकेशन लोन, जो आपने लोन का इंटरेस्ट एजुकेशन के लिए लिया है और वो पे करोगे, एनी अमाउंट एक्चुअल जो भी आपने पे किया सब कुछ माइनस मिलेगा. ठीक है, तो ये अंडर सेक्शन 80C के बैक टू बैक 3 MCQ थे, जो कि MCQ आ सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, तो ये जो हमारा छोटा सा चैप्टर है स्पेशल डिडक्शन एंड एजम्पशन यहाँ पे कंप्लीट होता है, और आज का सफ़र यहीं तक रखते हैं. आई होप कि आपको सारे डिडक्शंस याद होंगे, यहाँ पे आगे आप कहीं ना कहीं ये पढ़ चुके हो. ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही. वर्क हार्ड करो, यहाँ तक रखते हैं बच्चों. ऑल द बेस्ट एंड जय माता जी. हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस. थैंक यू.